हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप का जो मैच खेला जाएगा ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करूँगा। एक एक आपको स्टैट्स बताऊँगा, वेन्यू के स्टैट्स आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे आज के मैच में, कौन से प्लेयर्स को हमें अपनी टीम में पिक करना है भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ ऑप्शन कौन से प्लेयर बनेंगे, प्लस हम लोग डिफरेंशियल पिक में कौन से प्लेयर को ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर नॉर्मल पिक ट्राई कर सकते हैं, तो वो सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको वीडियो वॉच करना, कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी एक्चुअल में वर्ल्ड कप के जो अच्छे मैचेज है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक एक मैच आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कवर करके दूंगा। सबसे पहले इस मैच की बात करेंगे तो एंड तक आपको वीडियो देखना है, कहीं पे भी यार आप लोग स्किप मत करना। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यार आप लोग जरूर ऑन कर लेना, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन होना। अगर आप लोग अब तक टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 35,500 के आसपास मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी कर लेना। टॉस के बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, फाइनल टीम में कोई भी चेंज करना पड़ेगा, टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट मिलेगी, तो लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। अब मैच की बात करते हैं तो मैच जो खेला जाएगा भाई वो देखो पर्थ के वेन्यू के ऊपर खेला जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो ये मैच आपको पर्थ के वेन्यू पे देखने को मिलेगा। मैं आपको T20 इंटरनेशनल के आंकड़े प्लस आपको T20 डोमेस्टिक मैचेज के आंकड़े सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो वीडियो स्किप मत करना क्योंकि एक भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले T20 इंटरनेशनल की अगर बात करें तो सिर्फ दो मैचेज हुए, कोई ज़्यादा मैचेज यहाँ पर नहीं खेले गए। एक मैच वोन कर लिया फर्स्ट बैटिंग ने और एक ही मैच वोन कर लिया सेकेंड बैटिंग ने। एवरेज पहली इनिंग का स्कोर लगभग 157 के आसपास रहा, जबकि सबसे बड़ा स्कोर इस वेन्यू के ऊपर इंग्लैंड की टीम ने करा 208 रन, और सबसे कम स्कोर यहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने किया है 106 रन। और आज भी भाई इंग्लैंड की टीम इसी वेन्यू के ऊपर आपको खेलते हुए दिखने वाली है। सामने अफगानिस्तान की टीम है जो नॉर्मली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली जो भाई इंग्लैंड की टीम है ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीम आपको इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में मिलेगी। बाकी वो खेलेंगे कैसा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑन द पेपर अगर हम लोग देखें ना, तो मेरे हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो इंग्लैंड की टीम मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिल रही है। कैसा खेलेंगे कैसा नहीं है वो एक अलग चीज़ है, बट भाई टीम मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। स्कोरिंग पैटर्न में बात करें 150 से कम का स्कोर एक बार यहाँ पे 190 से ज़्यादा का स्कोर बना, मतलब दो ही मैचेज हुए हैं जहाँ पे एक बार तो 150 से कम का स्कोर बना था और एक मैच में 190 से ज़्यादा का स्कोर बना। अब इससे आप लोग इतना आइडिया नहीं लगा पाओगे कि पिच का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो चलिए फिर T20 डोमेस्टिक के आंकड़े देख लेते हैं। तो T20 डोमेस्टिक की बात करें तो टोटल 21 मैचेज हुए जहाँ पे 13 वोन करे फर्स्ट बैटिंग ने, 8 मैच वोन करे हैं सेकेंड बैटिंग ने। तो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज हो सकता है शायद पहले बैटिंग करने वाली टीम को। एवरेज पहली इनिंग का स्कोर लगभग 167 के आसपास, यानी कि 170 के आसपास आप मान के चलो, और किसी भी वेन्यू के ऊपर कोई भी T20 मैच हो 170 रन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होते, कम स्कोर नहीं होता भाई T20 मैचेज में। स्कोरिंग पैटर्न में देखेंगे 150 से कम का स्कोर 4 बार, 150 से 169 के बीच में 4 बार, लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो यहाँ पे है 170 से 190 के बीच में स्कोर 10 बार बना है, 190 से ज़्यादा का स्कोर 3 बार। अब दोनों को ऐड कर दे तो 170 प्लस का स्कोर इस वेन्यू के ऊपर भाई अब तक 13 बार बना है अगर खेले गए T20 डोमेस्टिक 21 मैचेस की मैं बात करूँ तो। मतलब भाई एक बढ़िया यहाँ पे विकेट आपको शायद देखने को मिल सकता है। बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो बैटिंग इस वेन्यू के ऊपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है। अगर मैं बॉलर्स के कंपेरिजन में बात करूँ तो थोड़ा सा फोकस करना बैटिंग पर, लेकिन इंग्लैंड के जो बैटिंग यूनिट है ना भाई वो तो काफ़ी तगड़ी आपको देखने को मिलेगी, आपको आगे मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं। नीचे ये रिसेंट मैचेस की बात करते हैं। सबसे पहले T20 इंटरनेशनल जो इस वेन्यू के ऊपर सिर्फ 2 खेले गए, इंग्लैंड की टीम ने 208 करे, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे 200 रन बना के गई थी, और अभी रिसेंटली ये मैच हुआ था अक्टूबर 9, 2022 को, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा और बड़ा स्कोर बना था। नीचे आओगे नवंबर 8, 2019 को मैच हुआ था लगभग 3 साल पहले, पाकिस्तान ने 106 करे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखो इजीली चेज करके गई भाई 109 रन बना के, और इवन उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा था। अब पाकिस्तान ने तो 106 देखो काफ़ी कम स्कोर किया था, अब इतना कम स्कोर तो यार आप लोग किसी भी वेन्यू के ऊपर करोगे तो डिफेंड करना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इतने स्कोर में तो मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं बनेंगी, लेकिन जो लास्ट मैच इस वेन्यू के ऊपर हुआ ना उसमें काफ़ी बड़ा स्कोर बना था, जबकि दोनों टीम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। नीचे आओ T20 डोमेस्टिक मैचेस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जनवरी 5, 2022 को मैच हुआ पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में, स्कॉर्चर्स ने 133 करे, सिडनी की टीम चेज करके गई भाई 17 ओवर के अंदर। नॉर्मली उतना बड़ा स्कोर नहीं बना, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ही अगर थोड़ा सा ठीक ठाक स्कोर नहीं बनाएगी तो भाई सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम फिर कहाँ से बनाएगी, ठीक है। जनवरी 4, 2022 को मैच हुआ पर्थ की टीम ने फिर 143 करे, सिडनी की टीम 133 ही कर पाई, इस में तो कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना। नीचे ये दिसंबर 30, 2021 को मैच हुआ, पर्थ की टीम ने 196 करे, मेलबर्न स्टार्स की टीम चेज नहीं कर पाई, सिर्फ 149 रन कर पाई थी। दिसंबर 26 को मैच हुआ था, मेलबर्न की टीम
ने 151 करे, ये भी कोई T20 के सबसे बड़ा स्कोर नहीं है। और पर्थ की टीम ने 152 करे थे, यहाँ पे चेज करके गई थी लगभग 17 ओवर के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि देखो अगर यहाँ पे थोड़ा सा टिक के बैटिंग करी जाएगी ना स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपने 4 से 5 ओवर अगर अच्छे से निकाल दिए, कम भी स्कोर बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर एक बार टिक के बैटिंग करी जाएगी ना तो डेफिनेटली इस वेन्यू के ऊपर 160 प्लस का स्कोर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो मैच है ना वो है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में, जहाँ पर इंग्लैंड आपको एक तरफा स्ट्रॉन्ग मिलेगी और दूसरी साइड अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो एक दो उनके प्लेयर्स ऐसे हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी के बल्लेबाज जो या फिर गेंदबाज जिनसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगा, बिकॉज इंग्लैंड की टीम अभी आपको रिसेंटली ध्यान हो पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान के अंदर जो T20 सीरीज खेल के आई थी। अब पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट तो आपको पता भाई किस लेवल का है, उनके सामने भी इंग्लैंड की टीम ने क्या जबरदस्त बैटिंग करी थी भाई, अगर आपने नोटिस किया होगा। इवन उनके मेन प्लेयर तो वहां पे थे भी नहीं, ना तो जोस बटलर वहां पे आपको देखने को मिले थे, ना लियाम लिविंगस्टोन जैसे प्लेयर्स थे, बेन स्टोक्स आपको देखने को नहीं मिले थे, तो वो प्लेयर नहीं थे, तब भी इंग्लैंड की टीम इतना तगड़ा परफॉर्म करके आई है पाकिस्तान के सामने। और अब तो उनके भाई मेन प्लेयर्स उनकी टीम में है, तो अब इंग्लैंड कैसा परफॉर्म करेगी आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस की बात करें। T20 जो लास्ट हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में 23 मार्च 2016 को हुआ था, इंग्लैंड 15 रन से वोन करके गई थी और यहाँ पे भी दूसरा मैच इंग्लैंड ने वोन किया था 116 रन से, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बातें हैं। दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं और फिर चलेंगे अपने टीम कॉम्बिनेशन पे। तो इंग्लैंड की अगर बात करें तो जोस बटलर कैप्टन के साथ में एलेक्स हेल्स ओपन करने आएंगे। अब इनका ना आप लोग एक बार बैटिंग ऑर्डर देखते हुए चलना, ठीक है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इंग्लैंड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम क्यों है। जोस बटलर के साथ में हेल्स ओपनिंग करना आएगा, डेविड मलान वन डाउन रहेगा, बेन स्टोक्स सेकंड डाउन, उसके बाद में लियाम लिविंगस्टोन रहेगा, मोइन अली रहेगा, सैम करन रहेगा, क्रिस वोक्स या डेविड विली जो भी खेले बैटिंग अच्छी खासी दोनों कर सकते हैं। क्रिस जॉर्डन है भाई, आदिल राशिद और मार्क वुड है। अब यहाँ पे एक चेंज मुझे थोड़ा सा लग रहा है, अगर देखो यहाँ पे लियाम लिविंगस्टोन फिट होंगे ना तो डेफिनेटली आपको खेलते हुए दिखेंगे, अगर फिट नहीं होंगे तो शायद फिर इनकी जगह पे हैरी ब्रुक को यहाँ पे चांस मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना तो इनके ये टॉप के 5 से 6 प्लेयर देखो आप लोग, जोस बटलर एलेक्स हेल्स दोनों भाई ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, जो भी चल गया ना तो वन साइड अपनी टीम को विन करवा सकता है, इंग्लैंड बड़ा स्कोर जरूर खड़ा करेगी। डेविड मलान टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं भाई इस प्लेयर को टीम से ड्रॉप करके, या फिर इसको अपनी टीम में तो पिक करते हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम बंदे पता है क्या करते हैं, वो करते हैं ऐसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन जो तगड़ी बैटिंग करता, मतलब हिटिंग तगड़ी करता है। लेकिन भाई हिटिंग करने वाले प्लेयर किसी किसी मैच में आपको रन करके देंगे, ये ध्यान रखो, लेकिन जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना उससे आप लोग उम्मीद कर सकते हो 20-30 रन की हर मैच में शायद वो आपको करके दे दे, और 30 रन कर देना तो आप मान के चलो आपका कैप्टन होगा तो ऑलमोस्ट आपको 100 के आसपास पॉइंट्स करके वो दे देगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो आउट नहीं होगा, भाई आउट वो भी हो सकता है, लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो उससे कि वो शायद कुछ तो रन आपको करके दे ही सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। नीचे आओगे अफगानिस्तान की अगर टीम की बात करें, हजरतुल्ला जजाई के साथ में रहमानुल्ला गुरबाज ओपनिंग करने आएंगे, इब्राहिम जादरान रहेंगे, उसके बाद में डी रसूली, नाजिबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमारजाई रहेंगे, राशिद खान रहेंगे, मुजीबुर रहमान है, नवीन उल हक है, फजल हक फारूकी, तो ये टीम रहेगी अफगानिस्तान की साइड से। अब यहाँ पे अगर आप लोग अफगानिस्तान का बॉलिंग बैटिंग यूनिट देखोगे ना उतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। देखो जजाई और गुरबाज जरूर बढ़िया प्लेयर है जो तगड़ी हिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इब्राहिम जादरान एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, थोड़ा सा दाव खेल सकते हो आप लोग इस प्लेयर के साथ में, टिक्के बैटिंग करेगा, ध्यान रखना बड़ी पारी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पिक इब्राहिम जादरान आज के मैच के रहेगा। रसूली से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीदें है नहीं, लोअर ऑर्डर में आके नजीबुल्ला जादरान से थोड़ा सा आप लोग हिटिंग की उम्मीद जरूर कर सकते हो, ज़्यादा टिक्के ये बैटिंग नहीं कर पाएगा, अगर इसको 5 से 6 ओवर खेलने को मिले ना तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट पिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद नबी को शायद आप लोग सब जानते ही होंगे जो आपको बैटिंग के साथ में बॉलिंग भी करके देंगे, राशिद खान देंगे, इंपॉर्टेंट पिक्स, अजमतुल्ला उमरजाई को डिफरेंशियल में ट्राई करना बट स्मॉल लीग में थोड़ा सा आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, मुजीब को आप लोग सब जानते हैं भैया, नवीन उल हक और फजल हक फारूकी जो आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो ये आपको टीम देखने को मिलेगी भाई अफगानिस्तान के साइड से। सारे स्टैट्स आपको बता दिए दोनों टीम्स का, बैटिंग ऑर्डर आपको बता दिया, प्लेइंग 11 आपको बता दी, अब मेरे हिसाब से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको फिर से बता दूं यार, वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा, वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन से मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम में, कोई भी चेंज अगर लास्ट मोमेंट पर करना पड़ेगा बाई चांस आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
अब यहाँ पे देखो मेरी जो 11 प्लेयर की टीम है ना वो आपके सामने, लेकिन आप लोग इसके अंदर चेंजेस क्या कर पाओगे मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो मैंने इंग्लैंड की साइड से मेन बैट्समैन को पिक कर रखा है, जहाँ पे हेल्स के साथ में बटलर ओपन करने आएगा, डेविड मलान वन डाउन पर बैटिंग करेगा, उसके बाद में शायद ये बेन स्टोक्स को बैटिंग करवाएंगे, फिर आपको यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन खेलता हुआ दिखेगा। मतलब टॉप के 3 से 4 से 5 प्लेयर आप मान के चलो मेन जो बैट्समैन है इनके मैंने पिक कर लिए, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से सोचना। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना तो आप लोग इस टीम के अंदर चेंजेस कर सकते थे। क्या चेंजेस कर सकते थे और किस भी आप पे चेंजेस कर सकते हो वो आपको मैं अब बताऊंगा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो मैंने सबसे पहले दोनों ओपनर्स इनके पिक कर लिए। अगर आपको लगता है कि भाई दोनों ओपनर्स अच्छा खासा खेल सकते हैं तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि भाई देखो अगर ये मान के चलो आप लोग 8 से 9 ओवर अगर इन दोनों ने निकाल दिए, विकेट अपना नहीं दिया ना, तो शायद डेविड मलान का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, फिर इनको शायद वन डाउन पर ना प्रमोट किया जाए। वहाँ पर फिर क्या होगा कि शायद ये सीधा बेन स्टोक्स को प्रमोट करेंगे या फिर ये लियाम लिविंगस्टोन को भी ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, तो उस केस में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो अगर आपको लगता है ना यहाँ पे बटलर और हेल्स अच्छा कर सकते हैं 8-9 ओवर अगर इनका विकेट नहीं गिरता है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ शायद यहाँ पे इंग्लैंड की टीम मलान को प्रमोट ना करे, उसके जगह पे या तो स्टोक्स ऊपर आएंगे या फिर लियाम लिविंगस्टोन को ये ऊपर बैटिंग में प्रमोट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर जल्दी विकेट गिरेगा, मान लीजिए 4 से 5 ओवर में अगर यहाँ पर विकेट गिरता है ना, तो आपको फिर क्या देखने को मिलेगा, फिर वहाँ पे क्या होगा कि फिर आपको डेफिनेटली डेविड मलान आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, फिर इसको बैटिंग के लिए प्रमोट किया जाएगा, फिर इसको वन डाउन बैटिंग पे भेजा जाएगा। ये आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के करना। अगर आप लोगों को लगता है कि दोनों चल सकते हैं, डेविड मलान को फिर आप लोग बाहर करके एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ में इंग्लैंड की साइड से जा सकते हो, ये मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग वहीं पर क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि दोनों अपना अच्छा नहीं करेंगे तो आप लोग एक को ड्रॉप कर देना, और मेरे हिसाब से आप लोग बटलर को तो कभी भी ड्रॉप नहीं करोगे, फिर आप लोग अगर रिस्क लोगे तो हेल्स को ड्रॉप करके ले सकते हो, इतना मुझे क्लियर है भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इंग्लैंड की साइड से तो मैंने आपको बता दिया, देखो मेन अभी आपको मान के चलो सिर्फ 2 ही बॉलर्स इनके साइड से आए हैं, अपने को अभी भी कम से कम 1 बॉलर और चाहिए भाई, 3 बॉलर के साथ में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर गई ना, तो फिर अफगानिस्तान की टीम लगभग ऑल आउट होकर जाएगी, और ऑल आउट होगी तो फिर अपने को बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप लोग बॉलिंग सेक्शन के मेन प्लेयर जरूर टीम में पिक करोगे। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लेयर को ड्रॉप करके आप लोग एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ में भी जा सकते हो, या फिर आप लोग देखो क्या करोगे, क्योंकि इंग्लैंड का ही आपको प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज 7 प्लेयर आप लोग ऑलरेडी पिक कर चुके हो, 4 प्लेयर मिनिमम है आपको अफगानिस्तान के साइड से लेने ही पड़ेंगे। तो ये चेंजेस आप लोग करना, अब आप लोग किस हिसाब से चेंजेस करोगे, आप लोग क्या मैच की सिचुएशन को रीड करके चल रहे हो, वो अब आपको खुद को सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर कोई चेंज करूंगा टॉस के बाद में आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी, तो ज्वाइन करके रखना टेलीग्राम चैनल को, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सारे बेस्ट ऑप्शन है भाई, किसी को भी कर लो, ज़्यादा मैं आपको कोई प्लेयर के बारे में प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि बटलर भी बढ़िया पिक है, डेविड मलान है, एलेक्स हेल्स, लियाम लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स, मोहम्मद नबी, राशिद खान, सारे यार अपने आप में बेस्ट पिक है, किसी को भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट देखा होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।